हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फंटेकबूम पर। दोस्तों, अगर आप एक 25,000 का फोन लेने वाले हो ना, या लेने की सोच रहे हो, तो तीन फोन आते हैं, सैमसंग M51, Oneplus Note और रियलमी का X3 सुपर जूम। तो आज की इस वीडियो में हम सैमसंग और Oneplus को कंपेयर करने वाले हैं, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा कि तीनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो अगर आप एक 25 से 30,000 कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो, क्योंकि इनके अलग अलग वेरियंट आते हैं, यही फोन बेस्ट है 25 से 30,000 में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर आप पहली मन बना चुके हो कि सैमसंग M51 ही लेना है आपको, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू, सैमसंग कंपनी अच्छी लगती है, तो आई बटन में दूंगा उस फोन के बारे में सब कुछ बता रखा है, स्पेसिफिकेशन, प्रोस कॉन्स और क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस कंपैरिजन को देख सकते हो। वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह और बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही फोन्स के डिजाइन को लेकर। सैमसंग भी दो कलर में आता है, ब्लू और ब्लैक, लेकिन ये थोड़े अलग स्टाइल के हैं। और Oneplus भी दो कलर में आता है, ये स्काई ब्लू और ब्लैक। दोनों की फोटोज आपको दिख रही होगी, कलर्स मेरे को दोनों ही फोन्स के दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ब्लू दोनों ही फोन्स का मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। और बात करें तो दोस्तों, इसमें एक कमी देखने को मिलती है, Oneplus Note में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, वहीं सैमसंग में आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा। लेकिन फिर Oneplus के पास भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि आपको Oneplus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो दोस्तों, बात करें वेट को लेके, तो Oneplus का बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है यार, इसीलिए मेरे को Oneplus Note बहुत अच्छा लगता है। वेट बस उसका 184 ग्राम है, और सैमसंग की बात करें, सैमसंग M51 की, तो 213 ग्राम उसका वेट है, मतलब बहुत भारी फोन हो जाएगा। तो Oneplus Note का इतना कॉम्पैक्ट डिजाइन है, मतलब अगर आपको एक ऐसा चाहिए वन हैंड फील, काफी अच्छा लगे वो फोन, तो Oneplus Note का मेरे को बहुत ही अच्छे डिजाइन और लुक्स लगते हैं। तो बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर, जैसा कि मैंने बताया Oneplus में कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो थोड़ी डिस्प्ले को भी छोटा करा जाएगा। 6.44 इंच की Oneplus Note में डिस्प्ले है, और सैमसंग M51 की बात करें तो 6.7 इंच की डिस्प्ले है। वहीं बात करें सैमसंग में, आपको देखने को मिलती है सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली, और Oneplus Note में आपको देखने को मिलती है फ्लूइड एमोलेड। तो मैं फ्लूइड एमोलेड को ज्यादा अच्छा बताना चाहूंगा, क्योंकि फ्लूइड एमोलेड आती है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। तो दोस्तों, आपको इसमें एमोलेड का भी मजा देखने को मिलेगा, और हाईर रिफ्रेश रेट का भी मजा देखने को मिलेगा। हालांकि सैमसंग की डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, मैं बेकार नहीं बताना चाहूंगा, और Oneplus की डिस्प्ले के नीचे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, डिस्प्ले में दोनों में ही मजा आएगा, क्योंकि एमोलेड सुपर एमोलेड प्लस और फ्लूइड एमोलेड है। लेकिन एक प्लस पॉइंट Oneplus Note की तरफ ये जाता है कि उसमें आती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, वहीं सैमसंग M51 में आती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले और डिजाइन मैंने आपको बता दिया, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसा पसंद है। कैमरा की बात करते हैं, कैमरा दोनों ही फोन में 4-4 कैमरा लगे हुए हैं पीछे की साइड। सैमसंग की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी जो कि आता है सोनी IMX682 सेंसर के साथ, काफी कमाल की फोटो देगा। दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का बुके, मतलब फोटोज आपको कमाल की देखने को मिलेंगी। Oneplus Note की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, और सोनी के सेंसर के साथ ही आता है। और दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का बुके। तो दोस्तों, दोनों ही फोन के कैमरा ना बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, ऐसा नहीं है किसी चीज में कोई अप मिल जाएगा या डाउन मिलेगा। आप कैमरा को परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ही अच्छी मिलेगी, फोटोज वीडियो दोनों ही फोन्स में कमाल की मिलेंगी। सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन्स में 32 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, तो कैमरा दोनों ही फोन्स के मैं बहुत ही कमाल के बताना चाहूंगा। हाँ, तो बात कर लेते हैं यार बैटरी को लेकर। बैटरी को कंपेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि Oneplus दूर दूर तक कंपेयर नहीं कर सकता सैमसंग की बैटरी को। सैमसंग M51 में लगी है 7000 mAh की बड़ी बैटरी 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली। Oneplus Note में लगी है 4115 mAh की बैटरी 30W की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली। तो मतलब अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हो ना, तो सैमसंग आपको सिर्फ बड़ी बैटरी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी देने वाला है। 7000 mAh की बड़ी बैटरी, मतलब एक या दो दिन भी आप इस फोन पर लगातार चला सकते हो। तो बैटरी के लिए अगर फोन चाहिए ना, तो भाई सैमसंग आंख बंद करके लो, Oneplus की तरफ देखना भी मत। बात कर लेते हैं UI और प्रोसेसर को लेकर, कितनी पावर है इन फोन्स में। सैमसंग में आपको देखने को मिलता है सैमसंग का बन UI, Oneplus में दिखता है ऑक्सीजन OS। दोनों UI मेरे को तो बहुत कमाल के लगते हैं यार, दोनों को कंपेयर नहीं करा जा सकता, बिल्कुल क्लीन UI है दोनों ही, बहुत ही बेस्ट UI माने जाते हैं एंड्रॉइड के, सैमसंग और Oneplus के, मतलब ऑक्सीजन OS और वन UI। प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग में लगा हुआ है 730G, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा वीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस है, बट सैमसंग ने अपना खुद का प्रोसेसर नहीं लगाया, ये काफी अच्छी बात है, स्नैपड्रैगन का लगा दिया। और Oneplus में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 765G, जो कि एक 5G फोन है, 5G प्रोसेसर है, मतलब एक प्लस पॉइंट ये। और प्रोसेसर की पावर, गेमिंग पावर, सारी पावर 730G से तो काफी ज्यादा है,
तो अगर प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो वन प्लस नोट का काफी अच्छा है। हाँ, तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रीकैप दे देता हूँ कि किस फोन में कौन सा फीचर अच्छा था। वन प्लस का यूआई मतलब प्रोसेसर और डिजाइन तो वन प्लस में काफी अच्छा था, और बात करते हैं बैटरी की तो वो सैमसंग में अच्छी थी, मतलब बैटरी सैमसंग की, और प्रोसेसर और डिजाइन के लिए चाहिए तो वन प्लस, और कैमरा और डिस्प्ले दोनों ही फोन में काफी अच्छी है, मतलब कंपेयर नहीं करा जा सकता, दोनों ही काफी अच्छी टक्कर देते हैं आपस में। तो प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग दो वेरिएंट में आता है, 6GB प्लस 128GB जिसकी कीमत रखी गई है 25,000 रुपए, वहीं वन प्लस नोट 6GB प्लस 128GB 28,000 रुपए का, मतलब 3,000 ज्यादा है, तो ये चीज आपको नेगेटिव पॉइंट में देखने को मिलेगी। दूसरा वेरिएंट है जो सैमसंग का आता है 8GB प्लस 128GB, वो है 27,000 रुपए का, और वही वन प्लस का जो दूसरा वेरिएंट है वो है 12GB प्लस 256GB 30,000 रुपए का, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और तो और वन प्लस का एक और वेरिएंट भी आने वाला है सितंबर में ही, सेल लगेगी उसकी 6GB प्लस 64GB जो भी होगा 25,000 रुपए का। तो मतलब अगर आपको वन प्लस नोट चाहिए, थोड़ा कम स्टोरेज भी चल जाएगी, तो आप 25,000 में भी वन प्लस नोट ले सकते हो। मैं अपनी चॉइस बताऊं तो यार मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भाई बड़ी बैटरी उसमें मिल रही है लेकिन प्रोसेसर अच्छा उसमें मिल रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है उसका कॉम्पैक्ट डिजाइन वन प्लस नोट का, मैंने हाथ में लेकर भी देखा था, मेरे एक भाई ने लिया था, तो कॉम्पैक्ट डिजाइन उसका काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही लाइट वेट ऐसा लगता है यार कितना बढ़िया प्रीमियम फोन आपने हाथ में ले रखा है। हालांकि प्रीमियम क्वालिटी नहीं है बट हल्का लाइट वेट है तो काफी अच्छा लगता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो, इन फीचर्स को मैंने बता दिया है कि आपको कौन से फीचर्स किसमें अच्छे मिलते हैं, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा अच्छा लगा, और अगर लेने की सोच रहे हो तो कौन सा लेने की सोच रहे हो, कौन सा वेरिएंट। खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए की वॉचिंग फनटेक बूम।